गिनती 22वां बाब। फिर बनी इसराइल ने कूच किया और दरियाए यर्दन के पार मोआब के मैदानों में यरहू के मुकाबिल खैमे खड़े किए, और जो कुछ बनी इसराइल ने अमोरियों के साथ किया था वो सब बलक बिन सफोर ने देखा था। इसीलिए मोआबियों को इन लोगों से बड़ा खौफ आया, क्योंकि ये बहुत से थे, गर्ज मोआबी बनी इसराइल के सबब से परेशान हुए। सो मोआबियों ने मदियानी बुजुर्गों से कहा कि जो कुछ हमारे आसपास है उसे ये अम्बुआ ऐसा चट कर जाएगा जैसे बैल मैदान की घास को चट कर जाता है। उस वक्त बल्क बिन सफोर मोआबियों का बादशाह था। सो उसने बौर के बेटे बलाम के पास फतोर को, जो बड़े दरिया के किनारे उसकी कौम के लोगों का मुल्क था, कासिद रवाना किए कि उसे बुला लाएं और ये कहला भेजा, देख एक कौम मिस्र से निकलकर आई है, उनसे जमीन की सतह छुप गई है, अब वो मेरे मुकाबिल ही आकर जम गए हैं। सो अब तू आकर मेरी खातिर इन लोगों पर लानत कर, क्योंकि ये मुझसे बहुत कवि हैं। फिर मुमकिन है कि मैं गालिब आऊं और हम सब इनको मार कर इस मुल्क से निकाल दें, क्योंकि ये मैं जानता हूं कि जिसे तू बरकत देता है उसे बरकत मिलती है, और जिस पर तू लानत करता है वो मलाउन होता है। सो मोआब के बुजुर्ग और मदियान के बुजुर्ग फाल खोलने का इनाम साथ लेकर रवाना हुए और बलाम के पास पहुंचे और बल का पैगाम उसे दिया। उसने उनसे कहा कि आज रात तुम यहीं ठहरो और जो कुछ खुदावंद मुझसे कहेगा उसके मुताबिक मैं तुमको जवाब दूंगा। चुनाचे मोआब के उमरा बलाम के साथ ठहर गए, और खुदा ने बलाम के पास आकर कहा, तेरे हां ये कौन आदमी हैं? बलाम ने खुदा से कहा कि मोआब के बादशाह बल्क बिन सफोर ने मेरे पास कहला भेजा है कि जो कौम मिस्र से निकलकर आई है उससे जमीन की सतह छुप गई है, सो तू अब आकर मेरी खातिर उन पर लानत कर, फिर मुमकिन है कि मैं उनसे लड़ सकूं और उनको निकाल दूं। खुदा ने बलाम से कहा, तू उनके साथ मत जाना, तू उन लोगों पर लानत ना करना, इसलिए कि वो मुबारक हैं। बलाम ने सुबह को उठकर बलक के उमरा से कहा, तुम अपने मुल्क को लौट जाओ, क्योंकि खुदावंद मुझे तुम्हारे साथ जाने की इजाजत नहीं देता। और मोआब के उमरा चले गए और जाकर बलक से कहा कि बलाम हमारे साथ आने से इनकार करता है। तब दूसरी दफा बलक ने और उमरा को भेजा, जो पहलों से बढ़कर मुअज्जज और शुमार में भी ज्यादा थे। उन्होंने बलाम के पास जाकर उससे कहा, बलक बिन सफोर ने यूं कहा है कि मेरे पास आने में तेरे लिए कोई रकावट ना हो, क्योंकि मैं नहायत आली मनसब पर तुझे मुमताज करूंगा, और जो कुछ तू मुझसे कहेगा मैं वो ही करूंगा, सो तू आ जा और मेरी खातर इन लोगों पर लानत कर। बलाम ने बलक के खादिमों को जवाब दिया, अगर बलक अपना घर भी चांदी और सोने से भरकर मुझे दे तो भी मैं खुदावंद अपने खुदा के हुक्म से तजावज नहीं कर सकता कि उसे घटा कर या बढ़ा कर मानूं। सो अब तुम भी आज रात यहीं ठहरो ताकि मैं देखूं कि खुदावंद मुझसे और क्या कहता है। और खुदा ने रात को बलाम के पास आकर उससे कहा, अगर ये आदमी तुझे बुलाने को आए हुए हैं तो तू उठकर उनके साथ जा, मगर जो बात मैं तुझसे कहूं उसी पर अमल करना। सो बलाम
सुब को उठा और अपनी गधी पर ज़ैन रखकर मुआब के उमरा के हमरा चला, और उसके जाने के सबब से खुदा का गजब भड़का और खुदावंद का फरिश्ता उससे मुजाहमत करने के लिए रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। वो तो अपनी गधी पर सवार था और उसके साथ उसके दो मुलाजिम थे, और उस गधी ने खुदावंद के फरिश्ता को देखा कि वो अपने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए रास्ता रोके खड़ा है। तब गधी रास्ता छोड़कर एक तरफ हो गई और खेत में चली गई। सो बलाम ने गधी को मारा ताकि उसे रास्ता पर ले आए। तब खुदावंद का फरिश्ता एक नीची राह में जा खड़ा हुआ जो ताकस्तानों के बीच में से होकर निकलती थी, और उसकी दोनों तरफ दीवारें थीं। गधी खुदावंद के फरिश्ते को देखकर दीवार से जा लगी और बलाम का पांव दीवार से पचा दिया, सो उसने फिर उसे मारा। तब खुदावंद का फरिश्ता आगे बढ़कर एक ऐसे तंग मुकाम में खड़ा हो गया जहां दाहनी या बाईं तरफ मुड़ने की जगह ना थी। फिर जो गधी ने खुदावंद के फरिश्ता को देखा तो बलाम को लिए हुए बैठ गई। फिर तो बलाम झला उठा और उसने गधी को अपनी लाठी से मारा। तब खुदावंद ने गधी की जुबान खोल दी और उसने बलाम से कहा, मैंने तेरे साथ क्या किया है कि तूने मुझे तीन बार मारा? बलाम ने गधी से कहा, इसलिए कि तूने मुझे चिढ़ाया, काश मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गधी ने बलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं हूं जिस पर तू अपनी सारी उम्र आज तक सवार होता आया है? क्या मैं तेरे साथ पहले कभी ऐसा करती थी? उसने कहा, नहीं। तब खुदावंद ने बलाम की आंखें खोली और उसने खुदावंद के फरिश्ता को देखा कि वो अपने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए रास्ता रोके खड़ा है। सो उसने अपना सिर झुका लिया और ओंधा हो गया। खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा कि तूने अपनी गधी को तीन बार क्यों मारा? देख, मैं तुझसे मुजाहमत करने को आया हूं, इसलिए कि तेरी चाल मेरी नजर में टेढ़ी है। और गधी ने मुझको देखा और वो तीन बार मेरे सामने से मुड़ गई। अगर वो मेरे सामने से ना हटती तो मैं जरूर तुझको मार ही डालता और इसको जीती छोड़ देता। बलाम ने खुदावंद के फरिश्ता से कहा, मुझसे खता हुई, क्योंकि मुझे मालूम ना था कि तू मेरा रास्ता रोके खड़ा है। सो अगर अब तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूं। खुदावंद के फरिश्ता ने बलाम से कहा, तू इन आदमियों के साथ चला ही जा, लेकिन फक्त वही बात कहना जो मैं तुझसे कहूं। सो बलाम बल्क के उमरा के साथ गया। जब बल्क ने सुना कि बलाम आ रहा है तो उसके इस्तकबाल के लिए मुआब के उस शहर तक गया जो अरनोन की सरहद पर उसकी हदूद के इंतहाई हिस्सा में वाकया था। तब बल्क ने बलाम से कहा, क्या मैंने बड़ी उम्मीद के साथ तुझे नहीं बुलवा भेजा था? फिर तू मेरे पास क्यों ना चला आया? क्या मैं इस काबिल नहीं कि तुझे आली मनसब पर मुमताज करूं? बलाम ने बल्क को जवाब दिया, देख, मैं तेरे पास आ तो गया हूं, पर क्या मेरी इतनी मजाल है कि मैं कुछ बोलूं? जो बात खुदा मेरे मुंह में डालेगा वही मैं कहूंगा। और बलाम बल्क के साथ साथ चला, और वो करियत के हुसात में पहुंचे। बल्क ने बैल और भेड़ों की कुर्बानी गुजरानी और बलाम और उन उमरा के पास जो उसके साथ थे कुर्बानी का गोश्त भेजा। दूसरे दिन सुबह को बल्क बलाम को साथ लेकर उसे बाल के बुलंद मुकामों पर ले गया। वहां से उसने दूर दूर के इसराइलियों को देखा।